हेलो कोलकाता सुबह संध्या निशा तो कोलकाता पहुंच गए हैं धन्यवाद मैं हैव योर अटेंशन प्लीज वी हैव अराइव्ड इन कोलकाता नाउ थैंक यू हमने अभी लैंड कर लिया है हम अभी जा रहे हैं हमारा ड्राइवर वहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारी सारे पिक्चर यहाँ का लोग आए हैं जो भी हो जैसे भी हो पहुँच गए सेफली बेल्ट 6 रुक जाओ सामान पकड़ के ओह गिर जाती अभी देख ब्लॉगिंग करते करते देखा ही नहीं चलो यस क्या नहीं कहता सुबह संध्या चलो लगेज की जगह पे वेट कर रहे हैं मेरा लगेज तो आ गया भाभी का लगेज के लिए वेट कर रहे हैं इसको निकल इसको निकल किसको ये भाभी के लगेज मज़ा आया तो गाइस हम अभी एयरपोर्ट से निकल रहे हैं और हमें लेने आ चुके हैं ड्राइवर या फिर पता नहीं वहाँ से क्यों आए हैं हमें लेने के लिए मिलते हैं फिर होटल पे गाइस जूता पूरा गंदा हो गया हे गाइस सो हम एयरपोर्ट से अभी निकल चुके हैं वी आर ऑन द वे टू आवर होटल हम होटल जोन भैया क्या बोला था होटल होटल जोन द पार्क पे हम ठहरेंगे दो तीन दिन एंड देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है एंड आई टेल यू गाइस कि हम कोलकाता आए क्यों मैंने नहीं बताया कल से बट होटल पे जाके बताएंगे थोड़ा सा फ्रेश करके रिफ्रेशमेंट करके भूख भी लग गया बहुत बहुत थक गए भाभी का हालत कल पहुँच गए हम अभी ये हम पहुंच चुके हैं होटल जोन द पार्क ये है 5-स्टार होटल लगेज स्कैन हो रहा है ओके सो गाइस वी आर एट होटल नाउ अभी हमारा रूम पे जाएंगे हम काफ़ी थक गए उसके बाद फ्रेश होते हैं एंड देन विल हैव सम रिफ्रेशमेंट विल हैव सम विल ईट सम फूड दिस इज आवर रूम सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपना होटल रूम पे और ये है मेरा न्यू हेयर कलर यहाँ से ऐसा दिखता है सी विंडो बहुत गंदा है बट स्टिल नज़ारा ऐसे कुछ है धूप नहीं है इसलिए इतना अच्छा खास नहीं दिख रहा है और मैं यहाँ हूँ बहुत सा अगली हो गया अनफ्रेश एंड ये है मेरा रूममेट भाभी और मैं दिखाती हूँ गाइस ये है चाय वाय पीने के लिए एंड दिस इज अ मिरर सो ये है बाथरूम ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है लास्ट टाइम हम शायद आगरा में ना पैलेस में रुके थे तो दैट वाज लाइक वाव वाला रूम था बट ये इट्स ओके ओके और ये रूम जो है 5-स्टार होटल है और 5-स्टार होटल ऐसा होता है मुझे नहीं पता था बट अब तक मैंने जितना भी 5-स्टार होटल में रहा है आई थिंक इससे थोड़ा सा बेटर है और ये नहाने का है यहाँ से नहाने का है और ये कवर्ड है यहाँ हम अपना सामान रख सकते हैं यह है एंड यह है फ्रिज मिनी फ्रिज यहाँ पे हमारा रिफ्रेशमेंट है और बेड जो डबल बेड है बट किंग साइज नहीं है मे बी इसको ये तो किंग साइज नहीं है ना भाभी ये किंग साइज नहीं है वैसे और मैं बहुत थक चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मेरा हेयर कलर ला 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 और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे है लॉकर लॉकर भी है बट हमें कोहिनूर तोरी रखना है रहने दो कुछ पिएगा कॉफ़ी पीते हैं यार ना कॉफ़ी पिएगा ना फ्री है ना ये तो नहीं तो वाट लग जाएगा यहाँ तो बहुत महंगा होता है भाई एक बियर का 400 रुपया होता है क्या एक कैन बियर का 400 रुपया होता है मे बी बट हम पीते नहीं है ना
मेरा हेयर कलर अच्छा ही दिख रहा है। जिम जाके थोड़ा सा बाथरूम पे है ये सॉप ब्रश कॉलगेट। हम तो दो जने हैं पर यहाँ पे एक ही है। ये पता नहीं क्या है। अच्छा ये कॉटन है। और ये क्या है? अच्छा ये मुंडी पे लगाने वाला, आई मीन सर पे लगाने वाला। ये नहाने का जगह है। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, यू नो आई वॉज एक्सपेक्टिंग ए बाथटब, बट बाथटब नहीं है। बट इट्स ओके, मैनेज। कितना सुंदर लग रहा है। ओह बहुत लोग बोलते हैं कि मैं क्यूट बनने के लिए ओवर एक्टिंग करती हूँ मैं अपने व्लॉग में। मैं हूँ ही क्यूट, मुझे ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। नॉट ए जॉक। ये आ गया हमारे बाथरूम और ये आ गया हमारे चप्पल। सपोल वेरी हाई फाई होटल, सारा पैसा चला जाएगा रे। आज हमारे साथ बहुत बुरा हादसा होने वाला था फ्लाइट में। बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं भी। सारे प्रार्थना करने शुरू हो गए थे हमारे पीछे हमारे पीछे एक अंकल था और उनका वाइफ भी था। दोनों चिल्ला चिल्ला के प्रे करने लग गया तो मैं तो और भी डर गई थी। बिकॉज मैंने रिसेंटली जो रनवे 83 मूवी देखा था, 83 है शायद, अक्षय अजय देवगन वाला जो रियल लाइफ बेस्ड पे जो मूवी बना है, और मेरी तो फटके चार हो चुकी थी। और कुछ चीजें भाभी आपको बताएगी। ये लो, आज जो फ्लाइट में आज का फ्लाइट जो बहुत ज्यादा ऐसा हिल रहा था ना, तो हमने सोचा कि हम जीसस को ऐसे प्रे किया कि ना क्योंकि हम ईश्वर, हम आपका काम करने जा रहे हैं, हम आपका गाना गाने जा रहे हैं कोलकाता में, तो आज ऐसा कुछ भी हादसा ना हो ना, हम जीसस को हम ऐसे प्रे किया। उसके बाद थोड़ा देर का बाद ऐसा नॉर्मल हो गया ना, बहुत डर गया था। हाँ हम भी बहुत डर गया था जब प्रार्थना किया थी, हो गया ना। कोइंसिडेंस है, हम तो उस दिन 83 रनवे मूवी देखा था ना, तब से हम और भी डर गया था उसको याद कर करके। और एक बात जो वो लोग भी क्या नाम था, एयर होस्टेस लोग भी तो बहुत वो कर रहा था, क्रू मेंबर लोग भी बहुत डर रहा था, ऐसे टाइप का हो रहा था ना, तो हम बहुत डर रहा था। जब एक एयर होस्टेस जो जब बैठ रहा था ना, तब हम डर गया था बहुत। पीछे वाला जो बैठो बैठ जाओ बोल रहा था ना, एक्चुअली वो जो सर्विस कर रहा था वो जो वो नया है, तो सीनियर लोग पीछे में बैठ रहा था, वो लोग सब गाइड कर रहा था। ऐसे करके सेफली हम लोग कोलकाता पहुँच गया। थैंक यू लॉर्ड। चलो फिर ये चप्पल कंफर्टेबल पहन ही लिया। ये 5 किलो का चप्पल पहन पहन के मैं थक चुकी थी। देखो मेरा चप्पल। सो गाइस आज के लिए मैंने इतना ही दिखा दिया। मैं करती हूँ हर दिन का अपडेट, जैसे कि मैं एक दिन गैप करके व्लॉग डालती हूँ, पर जब तक मैं कोलकाता में हूँ मैं हर दिन की व्लॉग डालूँगी आप लोग के लिए, डेली व्लॉग। आई ट्राई टू डू दैट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी अगेन। बाय बाय, टेक केयर।